दोस्तों, अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी लेना पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये जो आप सुनहरी कैप्सूल देख रहे हैं, इन्हें फिश ऑयल कहा जाता है या फिर ओमेगा 3 भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ओमेगा 3 की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ओमेगा 3 के फ़ायदों के बारे में बताया है। फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि फ़िश ऑयल के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, फ़िश ऑयल या फिर ओमेगा 3 के कैप्सूल में मेनली दो चीज़ें पाई जाती हैं, EPA और DHA, जो कि हमारे हार्ट, हमारे दिमाग, हमारी आईज, इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि बोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आप जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो वर्कआउट करते टाइम भी अगर आप ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन दोनों लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी आईज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है फिश ऑयल और ओमेगा 3। तो अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है। तो अगर आप फिश ऑयल, जो मेरे पास ये कैप्सूल है, ये 1000 mg का है, अगर ये साइज़ है कैप्सूल का, तो ये आप डेली एक कैप्सूल दोपहर को लंच के बाद ले सकते हैं पानी के साथ। तो अब बात करते हैं आपके कुछ सवालों के जवाब की। बहुत से लोग हैं जो मेरी पुरानी वीडियोस में क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनका जवाब अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा जो आपके क्वेश्चन होंगे या फिर आपके पूछना भी चाह रहे होंगे। तो ये किस सीज़न में लेना चाहिए, सर्दी में, गर्मी में? तो दोस्तों, ये आप हर सीज़न में ले सकते हैं। अगर आप सर्दियों में ले रहे हैं तो सर्दियों में आप रोज़ ले सकते हैं। अगर गर्मियों में लेना है तो गर्मियों में, अगर आपकी बॉडी की तासीर गर्म है, तो आप हफ्ते में 2 दिन या फिर एक आधा दिन छोड़ कर ले सकते हैं। अब है कि मल्टीविटामिन के साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो आप मल्टीविटामिन के साथ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीविटामिन बाद में लेना है या फिर इन दोनों को अलग अलग लेना है, मल्टीविटामिन के साथ भी ले सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये दूध के साथ लेना है या फिर पानी के साथ, तो ये आप पानी के साथ ही लेंगे तो बेटर रहेगा। दूध आप अलग से ले लीजिए बाद में, 1 घंटा या 2 घंटे बाद में। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इससे आपका वेट गेन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसमें इसका मेन कोई रोल नहीं है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपकी डाइट अच्छी है, तो आपको ये फ़ायदा दे सकता है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो ये सारी आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ ओमेगा 3 या फिर फिश ऑयल, ये EPA और DHA, ये आपके वेट लॉस या वेट गेन में कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करता। कुछ लोग तो ऐसा पूछते हैं कि ऑयल निकाल कर हम पी सकते हैं या फिर ऐसे चबा कर खा सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपने ऐसे ही इसे लेना है और ऊपर से पानी पी लेना है। कितने दिन तक लेना है, 1 महीना, 2 महीने या फिर सदाई? तो बेटर रिज़ल्ट के लिए आप 2 महीने तो लीजिए इसे, फिर ही आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब दिन में कितने लेने हैं, दिन में कितना लेना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, अगर आप ये कैप्सूल, जैसा कि मेरे पास है, 1000 mg का कैप्सूल है, तो एक कैप्सूल ही लीजिए। अगर आपको छोटे कैप्सूल मिलते हैं 500 mg के, वो भी मैंने दिखाए हुए हैं, तो वो आप 2 या 3 कैप्सूल ले सकते हैं डेली के। तो दोस्तों, ये कुछ मेन मेन सवाल थे जिनका मैंने जवाब देना सही समझा है। अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, अभी भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ही आपके जवाब दे दूंगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बेस्ट कंपनी कौन सी है, तो बेस्ट कंपनी के मैंने लिंक नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से लेकर बाय कर सकते हैं। इंडियन कंपनीज भी बहुत अच्छे फिश ऑयल प्रोवाइड करती हैं, और कुछ इंपोर्टेड भी है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन फिश ऑयल नहीं ले रहे, तो फिश ऑयल लेना स्टार्ट कीजिए, ओमेगा 3 लेना स्टार्ट कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।